जनाब कद्दू डाल दिया, चिकन कड़ा भुज गया, और इसको थोड़ा डाल के छोड़ दो, सेकंड 2 मिनट के लिए ये रे जनाब चावल। चावल का अभी साइज नाप लेना है, 1 कप हमने आज पकाने हैं, 2 कप तो उस हिसाब से अभी इसका नाप लेंगे। ये हो गया जनाब 1 कप। ये स्पेशल पाकिस्तानी राइस है, पाकिस्तानी मार्केट से पकते हैं नाशपाती राइस। इसको आप देखेंगे इसका जो चावल का जो दाना है वो कितना माशा अच्छा रहेगा। वैसे आज आपको बताना चाहता हूँ क्या बना रहा हूँ। आज बनेगा देसी चिकन विद ग्रेवी एंड तड़के वाले राइस। तो ये आज आपको सारी आइटम मैंने बतानी है कैसे बनती है, क्या इसमें मेन्यू यूज़ होते हैं, ठीक है। बस आप देखते जाएं, पहले फर्स्ट में चावल भिगो लेने हैं क्योंकि 15-20 मिनट तक पानी में के अंदर रहेंगे चावल। तो हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल भिगोने हैं, तो हमको चाहिए 2 कप, वो तो मैं बनाता रहता हूँ उस हिसाब से 2 कप चावल के। ये जनाब, ये जनाब 2 कप चावल के हो गए हैं माशाल्लाह। इसको अभी हम साफ़ करेंगे पानी के अंदर। एक दो दफ़ा पानी निकाल लेंगे, जो इसका केमिकल वगैरह है ना वो साफ़ रह हो जाएंगे। ये तड़के वाले चावल बनाने हैं साथ प्याज का तड़का लगा के अच्छे से, और साथ में आपको बताया पहले भी देसी मुर्गी छोड़े वाली, और उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ डालनी है। आप पूरा मेन्यू देखें जनाब, आपको मालूम पड़ेगा भाई आपका क्या डिश बनाने लगे और क्या उसमें टेस्ट है। कुड़िए यूज़ करने हैं। ये देखें जनाब, चावल भिगो लिए हैं, इसको रखते हैं साइड पे, 15-20 मिनट तक ये एक्टिव हो जाएंगे। ये जनाब रही हमारी देसी मुर्गी। एक और बात बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में लेंगे या इधर दुबई में लेंगे तकरीबन 100-200 का ही फ़र्क रहता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमको पड़ी है केजी 20 दरम की, और उधर भी लेंगे केजी वो भी 15-14-1600 की, इतना ही रेट रहेगा। तो ये जनाब फ्रेश मुर्गी थी, अभी आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसका सारा सफाई सफुई करनी है इसकी, क्योंकि ये इसके अंदर चर्बी रहती है। तो इसकी आज आपको कुकिंग करके बताएंगे। ये देखें जनाब, आपके भाई ने हाइजीन के रूल के मुताबिक ग्लव्स पहन लिए हैं। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे जनाब हादसा भी कवर किया करें, तो इसलिए आपके भाई ने ग्लव्स पहन लिए हैं। वैसे भी जो देसी मुर्गी है इसमें ज़रा ब्लैड शलैड चिकनाई वगैरह, तो देखें माशाल्लाह लेग पीस, इसका लेग पीस जिस उन्होंने नहीं देखा इसे ऐसे ही होता है, ये ना कहें वो बटेरा पूरा है, लेकिन ये है कि ये देख फ्रेश मुर्गी ज़िबा करा के जनाब ले के आए हैं। आज आपके भाई का टूर था जुमान का, तो उधर से स्पेशल मुर्गी ले के आए हैं। ये देखें चर्बी इसके अंदर जनाब, इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे, चेक करो। इसके अंदर से बकायदा अंडे भी थे लेकिन वो हम नहीं ले सकते, अच्छे नहीं थे, तो इसके अंदर से निकले थे मुर्गी के, वो हमने कैंसिल किए हैं। दिल वगैरह भी होगा इधर, ये देखिए ये इसका दिल है, ये कचरा जाएगा कचरे वाले बॉक्स में। अभी इसको ज़रा वाश करते हैं सिंक में, देख सकते हैं आप गोश्त की रंगत चेक करें, देसी मुर्गी है,
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। चेक करें जनाब चर्बी इसके अंदर येलो कलर की है, इसके अंदर जो छोटी छोटी लाइन है ना ये निकाल देंगे। ये अगर ड्रेनेज में जाएगी तो ड्रेनेज भी ब्लॉक करेगी, तो इसलिए इसको सैर पे रखते जाना, अपना पाइप वगैरह भी ना ड्रेनेज का निजाम चलता भी। ये चेक करें ये कचरा था, इसके अंडे ये चेक करें, अंडा एक दो तीन चार, कितने अंडे हैं, बड़े बड़े भी थे वो, मैं वीडियो नहीं बनाई उसकी। यार ग्लव्स से काम सही नहीं हो रहा, इसको निकालते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, ऐसे जल्दी हो जाए। जिंदा मुर्गी जिंदा, अंडे भी आपको भी दिखाएं और भी निकलेंगे वो भी दिखाते हैं। मिलती है हर चीज़ मिलती है दुबई में यार, कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए बस लास्ट। पैसे ही बोलते हैं लोग, ये नहीं है वो नहीं है, बस सब कुछ मिलता है भाई, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बंदे कंजूसी करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, कुछ माड़ी तरह है, कुछ जो कभी कभी वीकेंड में सस्ता मस्का लगा लेते हैं, तो कुछ तो बहुत ही निकम्मे हैं। ये देखो ये एग है, गोशा चेक करें आप कितना रेड है, और इसके अंदर जो है कलर इसका ये चेक करें, नॉर्मल मुर्गी में ये होते नहीं है, इसने पूरे हफ्ते के जो है ना कमी पूरी कर देंगे थकावट शिकावट ना, बट हम जैसा मुझे ए टू जेड कम्प्लीट कर देंगे। ये देखो ये इसकी पोड है, वो वैसे साफ किया लेकिन और साफ करेंगे। इसको साफ करने की बात रही है, अरे कितना इसके अंदर से कचरा चर्बी ब्लैक निकल रहा है। एक लग पीस चेक करें, नॉर्मल मुर्गी का इतना बड़ा लग पीस, लेकिन ये देसी है इसका ऐसा ही रहेगा। हाँ सर स्क्रीनिंग भी करनी है, ये आपको दिखाते हैं दोबारा। ये जनाब देखिए माशाल्लाह सफाई के बाद इस पोजीशन में आ चुका है हमारा चिकन, देसी चिकन, खाली चिकन नहीं जाने का, और ये कचरा जो निकला इसका सफाई की है। देखें पानी के अंदर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये इसकी बस पावर है चिकन की, देसी है चमक मार है। तो ये और भी बहुत सारी इसकी निशानियाँ होती हैं, लेकिन चिकन हमारा साफ हो चुका है, चावल पहले से भी हो रही हैं, तो अभी इसको बस दूसरा मसाला तैयार करते हैं, वो अब बाकी डिटेल बता दें आपको जी। तो सरकार जो आज इसमें ग्रेनी मसाले जात यूज़ करेंगे, जिसमें टमाटर हैं दो, ओनियन है, मिर्ची हैं 10-12 पीस,
अदरक है, थूम है। वैसे मैं अदरक और थूम की पेस्ट बना के यूज़ करूँगा इसके अंदर ही, क्योंकि वो खाने के दौरान तंग नहीं करेगी। और ये मसाले हैं, और स्पेशल जो चीज़ डालनी है इसके अंदर आज कद्दू शरीफ हैं, दो कद्दू हैं जनाब, देखें पाकिस्तानी मार्केट से पकड़े हैं स्पेशल, ये ऊपर बोर आई हुई है देख सकते हैं कैमरे में आप हैं। और धनिया, धनिया तो जाना अब शान है हंडी की, तो इसको चलें अभी कटिंग शटिंग करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि कौन से स्टेप में कौन सी चीज़ डालनी है। देखें जनाब हर चीज़ बेहतरीन किस्म की, अभी सफाई करके इसको एक दफ़ा और, तो फिर काटना शुरू कर दें। चलें जनाब ओनियन वाश करें पहले, टमाटर हो गया, लहसुन भी पहले ही वाश कर लिया, ज़रा छिलका इजी उतर जाएगा, सब्ज मिर्चें, कद्दू शरीफ, ये जनाब अपनी चीज़ें वाश हो गई हैं, कद्दू शरीफ को इधर डालेंगे दोबारा। चलो भाई कद्दू जी इधर, और आप सब लोग इधर आ जाएं इस स्टेज पे। जनाब हमारी चीज़ें जैसी सेटिंग है, कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, चाकू भी धोएंगे कितना, और अभी इसको काटना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सरकार पहले ऑनियन की बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाह हंडी अपने साथ ही रख देते हैं, काम हमेशा सफाई से होना चाहिए, चेक करें कटिंग। ये गया जनाब दीदी, में प्याज पूरा जनाब पूरा खराब है। ये जनाब चूल्हा ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी ऑयल डालेंगे और हांडी स्टार्ट करेंगे जनाब। ऑयल अपने हिसाब से आपने डाल देना, मेरे को तो ऐसे आइडिया है तकरीबन आधा कप, आधे से भी थोड़ा। इसको कवर कर दिया, अभी जरा भाप आएगी इसके अंदर ही नरम होएगा प्याज। इतनी देर हम अपनी दूसरी चीज़ें काट लेंगे जनाब, टमाटर चेक करें कटिंग, क्योंकि प्याज पहले डाल दिया इसलिए बाकी जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो आस्ता आस्ता साथ तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने एकदम से इकट्ठा नहीं काटा सारा, मैं ज़रा इसी तरह बनाता हूँ, साथ साथ हांडी चूल्हा चलता रहेगा, साथ साथ मसाले बनते रहेंगे कटते रहेंगे। ये छोटा सा टमाटर एक साथ में चलेगा, ये होगा जनाब, ये सब मिर्चें चीरा दे, पांच मिर्चें ऐसे सिंधे डालेंगे, ठीक है, बाकी को छोटा छोटा कट कर लें, ये छोटी मिर्चें देती बहुत कड़ी हैं।
दफ़ा फिर बता दूँ जो नए बंदे देख रहे हैं शुरू किया अभी, जनाब ये देसी मुर्गी बनने लगी है साथ में चावल होंगे। ये जनाब ठीक है, अभी थोड़ी देर ठीक ला लेंगे जो भी लगती है शुक्र जी का। इसको पहले छीका इसका उतार के इसको ग्राइंड कर लेंगे, इससे ये होएगा कि ये खाने में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर अदरक का थोड़ा सा ना टाइट रह जाता है, खड़ा खड़ा जिसको बोल रहे हैं, लेकिन साफ हो गया माशाल्लाह, थोड़ा सा वाश करेंगे ये बेहतरीन हो जाए। इसको भी इसके अंदर काटेंगे, क्योंकि पेस्ट इसकी बन जाएगी ना तो इजी रहेगा। ये जनाब इसकी पेस्ट बन गई अच्छी तरह ही, थोम को भी छील के इसके अंदर डाल के इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो चलते हैं हंडी की तरफ, हंडी की क्या कंडीशन है बस देखें जनाब, प्याज ज़रा नरम होना शुरू हो गया, इसको और ज़रा नरम करेंगे। चेक करो जनाब ओनियन अपने मंजिल में पहुँच गया, इसमें अभी डालेंगे माशाल्लाह जो अभी ग्राइंड किया है अदरक और थूम का पेस्ट। ये होता पेस्ट का फायदा, इसको अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हल्का सा नमक ऐड करेंगे, नमक के साथ एक ज़ीरा ऐड करेंगे जिसकी थोड़ी इसी ऑयल के अंदर ही भून जाएगा वो भी। ये रहा जनाब ज़ीरा, आधा चम्मच बहुत है, इसी तरह स्मेल भी अच्छी रहेगी इसकी, और नमक देंगे एक चम्मच, नमक डाल देंगे, बाकी बाद में चेक करेंगे जब चिकन को थोड़ा सा भुनेंगे उस टाइम, चेक करें मसाले का कलर, तो अच्छी से इसका स्मेल ख़त्म करेंगे अदरक का। जितनी देर हमारा मसाला बन रहा है हम कद्दू को छील लेंगे, क्योंकि ये भी नेक्स्ट स्टेप में आगे कद्दू को भी डालना है, तो उस हिसाब से हमारा अगले वाला स्टेप भी रेडी रहेगा। चेक करें कद्दू, ये आप बोलेंगे कि ये नए कॉम्बिनेशन है, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हैं, आलू डाल लें, गोंगलू डाल लें, क्योंकि वो अपनी अपनी मर्जी है, जो भी डाल सक डालना चाहे डाल सकते हैं अंदर सब चिकन के। तो हमने डिसाइड किया है जनाब कि मैं कद्दू शरीफ डालूँगा, कद्दू चेक कर लें, आपको दिखाया मैंने, ये देखिए इसको हम मोटे मोटे तीन चार पीसेस में काट लेंगे, जैसे आलू डालते हैं इतना।
ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਓਨੀਅਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਅਭੀ ਹਮ ਐਡ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਆ ਐਡ ਕਰੇਂਗੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰੇਂਗੇ इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे क्योंकि ज़रा टमाटर ज़रा मेल्ट हो जाए। चलो जी तो जनाब चिकन पहले ही वाश हो चुका था माशाल्लाह ठीक है और कद्दू शरीफ भी काट लिया और ये चेक करें पांच मिर्चें छः ये मैं अपने साबत ही डालनी है इसके अंदर ये आपका मर्जी है डालें नहीं डालें और उसके बाद इधर जनाब मसाला बन रहा है टमाटर आपके सामने डाल दिए थे पहले इसमें अभी जो मसाला जहाँ डालेंगे उसमें हल्दी नमक पहले भी डाला था फिर और डालेंगे लाल मिर्च थोड़ी सी काली मिर्च और दादर फादर मिर्च और ये चिकन कढ़ाई मसाला जनाब पहले डालते हैं हल्दी हल्दी माशाल्लाह एक स्पून डाल दी है अच्छा ऐसे और रेड मिर्च डाल दी है थोड़ी सी बस थोड़ा सा कलर आ गया इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए और ये दादर फादर मिर्च तकरीबन थोड़ी सी तकरीबन हाफ टी स्पून बिच है इंग्लिश बिच है पंजाबी ये जनाब सारे मसाले डाल गए और इसको थोड़ा हिलाएंगे चेक करें टेस्ट कैसा आ रहा है हल्दी ने भी कलर छोड़ दिया और ये दूसरा मसाला पहले मैं ले के आया था कढ़ाई मसाला चिकन कढ़ाई मसाला ये डालेंगे मसाले कोई भी जो भी डालने हैं ना वो अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं ये मेरे हिसाब से नहीं क्योंकि हर बंदा कोई तेज़ खाता कोई हल्का खाता तो मैं अपने हिसाब से डाल नॉर्मली चिकन ना इतना स्पाइसी ये जनाब हो गया इतना ये तकरीबन दो चम्मच बन गया कढ़ाई मसाला ये भी अभी डाल देना ये इसके साथ भून जाएगा मसाला सारा मसाला कच्चा नहीं रहेगा इस टाइम डालने का ये फ़ायदा क्या करें अब थोड़ी तेज़ करें चेक करें ये जनाब अभी मसाला कार्रवाई करके पूरा हो चुका है चेक करें अभी इसके अंदर डालेंगे चिकन चिकन माशाल्लाह पहले ही साफ करके आपके सामने रखा था ये चेक इसको अभी चिकन को बॉयल करना बॉयल मतलब कि थोड़ा भूनना है इसके बाद इसको नेक्स्ट सीजन में डालना है माशाल्लाह ये है जनाब देसी अगर इधर ही इसको भून के रेडी कर लेंगे तो ये चिकन कढ़ाई बन जाएगा और इसके अंदर थोड़ा पानी शानी डालेंगे तो वो ग्रेवी थोड़ी बन जाएगी चावलों के साथ खाने के लिए लेकिन बनानी कैसे है वो आप देखते रहें आपको मालूम पड़ेगा अभी ये थोड़ा पानी छोड़ेगा अपना ये अभी चिकन को भूनेंगे सही के माशाल्लाह 1 kg था पतीली में फुल हो रहा है माशाल्लाह देखें कैसे गुजरा जनाब पानी थोड़ा 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 छोड़ रहा है सही है कि ये अपना पानी छोड़ देगा बुझेगा इसके अंदर अभी कद्दू भी डालना और नेक्स्ट वही डलेगा
माशाल्लाह ज़बरदस्त भुज रहा है जनाब। अभी इसके अंदर ऐड करेंगे कद्दू शरीफ। कद्दू किधर है जनाब? कद्दू ये पड़े हैं और इसके साथ जो साबुत मिर्च है वो आपने अपनी मर्जी से डालनी है। बस ये जनाब कद्दू चला गया। जनाब कद्दू भी डाल दिए, चिकन भी थोड़ा भुज गया और इसको थोड़ा डाम के रखेंगे कुछ दो मिनट के लिए। ये जनाब हमारी चिकन ने पानी छोड़ दिया, कद्दू शरीफ में पानी छोड़ दिया, तो इसको थोड़ा पानी खत्म करके तो समझ लें कि ये भुन जाएगा। देखिए सही है, बाद में इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे अभी तो 2 मिनट बाद हल्की आग पे छोड़ देंगे। कद्दू और देसी चिकन और साथ में मैंने चावल भी का भी रेडी कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जनाब कुकर ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे चावलों के लिए। चावल बनाने हैं तो बनाने हैं, कुकर में ही बनाने हैं, नहीं तो नहीं बनाने। क्या कहते हैं? और ये ओनियन जाएगा इसके अंदर, ओनियन चला गया। ये जनाब हमने ऑनियन डाल दिए, तड़के लगा रहे हैं अभी, तड़का लगा रहे हैं। चावल कुकर में ही पकाएंगे और इधर जनाब दूसरी साइड पे ये अभी भुज रहा है, थोड़ा और भून के इसके अंदर पानी सेट करेंगे। थोड़ा शोरबा चाहिए ना चावलों के साथ खाने के लिए, शोरबा नहीं तो ये रोटी के साथ खाने के लिए ये रेडी है। देखो कितना प्यारा आ गया माशाल्लाह इसका कलर और टेस्ट, मुँह में पानी आ रहा है जनाब। चेक करें, धनिया की वही ट्रिक पुरानी, काट के उसको पानी में भिगो के रख देना, जरा इसकी सफाई हो जाएगी और लास्ट में ये डाल देना धनिया, क्योंकि इसमें मिट्टी छिट्टी रहती है। जनाब हंडी रेडी है माशाल्लाह, कढ़ाई जैसे बोलते हैं कढ़ाई रेडी है। अभी हमने इसके अंदर छोरा शोरबा बनाना है तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और इसको अभी हल्की आंच में रख देंगे, पानी थोड़ा पके और हमारा ये जो प्रोग्राम है रेडी हो रहा है। इधर जनाब ओनियन भुज रहा है तड़के के लिए, चावलों के लिए हरी मिर्च डाल दी और नमक डाल दिया भाई आपके ने, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तीन चीज़ें बस, ओनियन हरी मिर्च और नमक। और इधर ये वाले जनाब हंडी रेडी है, हमको छोरा चाहिए था थोड़ा इसलिए थोड़ा इसका पानी डाला इसके अंदर। ये जनाब मैंने पानी डाल दिया जितना मेरे को चाहिए था, अभी देखें हर चीज़ अंदर ना डिप हो गई। इसको जनाब अभी बंद करेंगे, ढक्कन देंगे इसके ऊपर और इसको 15 मिनट के लिए तकरीबन हल्की आँच पर रख देंगे ऐसे। और इधर जनाब तड़का भुज चुका है, इतना कलर ठीक है, तो आपने इसके अंदर अभी पानी ऐड करना है। हमने सॉरी नहीं मैंने इस जनाब पानी ऐड कर दिया, ओपन इसका ढक्कन दे दिया और मैंने 2 कप बनाए थे ये वाले और 4 कप पानी डालूंगा ये वाला, उसके बाद फिर चावल डालते हैं। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट पहले भी होंगे रखे थे और चावल चेक करें माशाल्लाह कैसे प्यारे नरम हो गए हैं। और इसको अभी माशाल्लाह पानी डाल दिया था, ये चावल अभी डिप करेंगे। लास्ट 3 दाने रह गए वो भी चले गए, एम्प्टी हो गया। और ये जनाब चावल चले गए, आप कलर देखें। जो भी चीज़ बनानी है प्यार से दिल से बनानी है, नहीं तो नहीं बनाएं। ये देखें जनाब उसका कलर देखें कैसा आ रहा है और इसका कलर देखें कैसा आ रहा है, सब कुछ आपके सामने बनाया है। तो ये नहीं कि रोना डंडी रोना डाल देना है मेरे से नहीं बनती, नहीं बनती तो ना बनाएं, देखें खाली। ये देखें जनाब अभी साथ में चावल भी हो जाएंगे और छोरा भी हमारा उधर हो जाएगा और चूल्हा हमारा शरों वाला ऐसे ही है, बाद में सफाई सफुई करेंगे। तो अभी ऊपर ढक्कन देंगे इसको और आग नीचे डाल दिए बना। ये जनाब माशाल्लाह देखें, चेक करें आप शोरबा आलीशान किस्म का बन रहा है, ऑयल शायल ऊपर आ गया,
इसको और पकने देंगे, लेकिन 15 मिनट का टाइम देना था, अभी तकरीबन 4 मिनट हुए हैं। तो दूसरी साइड पे हमारा जो है बन रहा है चावल, माशाल्लाह वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। देखें जनाब चावल चेक करें, ये तड़के के ऊपर डिपेंड होता है और चावल बनाने वाले के ऊपर कि कलर कैसा लेना चाहिए चावल का। इसको फिर कवर करें, थोड़ा सा गैप देंगे। ये माशाल्लाह चल रहा है, इसके ऊपर अभी धनिया भी डाल देंगे, इसके साथ इसकी और ब्यूटी आ जाएगी। ये रहा धनिया जनाब, सोना दे सुथरा धनिया। खाओ पियो तो यश ही मारो, परदेसियां एक ही काम है, रोटी खा लो या काम कर लो, बाकी ब्याहां शादियों का कोई रोला नहीं। ना इतने अम्मी है, ना इतने अब्बा है, ना इतने भैन भरा, खाना पीना जी तो काम करना जी, तो सुथरा खाओ तो सुथरा पाओ। चेक करो जनाब, हाँ ठीक है, शेप ही बदलती है धनिया। और इधर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, वाह जी वाह, चावल भी बन रहे हैं माशा। फिर इसको कवर कर देते हैं हल्का सा। हाँ जी, तो दोस्तों हंडी जनाब तकरीबन नज़दीक हो गई माशाल्लाह, और 5 मिनट तक रखेंगे। देखें आयल आ गया ऊपर, पानी इसका मतलब पक गया, लेकिन फिर भी 5-6 मिनट और रखेंगे और सर्व करके आपको ज़रा इसकी डिटेल बताते हैं। और लेकिन ये रेडी है पूरी, और इधर चावल भी माशाल्लाह रेडी हैं, सिर्फ दम लगाएंगे और आपको डिटेल आप भी थोड़ी देर में पूरा इसका टेस्ट करके भाई लोगों से पूरा व्यू लेके आपको बताते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स देखें माशाल्लाह हंडी माशाल्लाह आखिरी बना दी है, तको मर्चा तर दी खड़िया ने तको। ये देखें जनाब कद्दू शरीफ देसी मुर्गी, वाह जी वाह, है कि नहीं मज़ा। और ये भी आपको दिखाते हैं चावल, वाह जी वाह, चेक करें माशाल्लाह, दाना दाना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अभी आपको भाई लोग टेस्ट करके बताएंगे, मैं तो बोलूँगा माशाल्लाह गुड है, लेकिन हाँ जी। तो गाइस माशाल्लाह जैसे आपको दिखाई हंडी बेहतरीन किस्म की बन चुकी है, अभी भाई जान चेक करके बताएंगे टेस्ट का क्या फ़ायदा। और ये लाला जी आ गए हैं पीछे जनाब, जनाब लाला जी आ चुके हैं माशाल्लाह, अभी टेस्ट करके बताएँगे आपको क्या पोजिशन है। ये देखें जनाब, वाह जी वाह, लाला जी ने जो डोंगा ले आए हैं माशाल्लाह कमाल है। क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ तो मैं तो आपको बोलूँगा भाई वेरी गुड है, मज़ा तो तब है जब अगला बंदा बोले भाई कि वाह जी वाह, क्या बात है लाला जी, वाह जी वाह। हाँ जी, ये लाला जी हमारे, अभी आपको खा के बताएंगे। हाँ जी लाला जी, हाँ जी गुड है मियाँ मियाँ। जनाब पास हो गया खाना हमारा माशाल्लाह, चेक करें चावल ये वो सारा है जनाब, बेहतरीन किस्म का, इसको बोलते हैं देसी चिकन कढ़ाई, कद्दू कद्दू भी डाला, चिकन कद्दू ग्रेवी और चावल। हाँ जी, तो गाइस जैसा आपने पूरी वीडियो में देखा माशाल्लाह सारा तरीका आपने देख के ऐसे बनाना ट्राई करनी है जिसने भी करनी है, तो भाई की वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और ये हम लोग दुबई में ऐसे कभी कभी माहौल बनाते हैं, तो ये आपको अभी देसी मुर्गी विद कद्दू बनाने का स्टाइल बताया। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जैसे आपकी सपोर्ट की वजह से मैं और वीडियो बनाऊँगा, नहीं करेंगे तो मैं छोड़ दूँगा ये काम, खुद ही बना के खुद ही खा लूँ करूँगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो बेहतर यही, आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है माशाल्लाह, आज एक स्पेशल इवेंट है हमारी कंपनी की तरफ से, स्टाफ आल्दी है तो जिसकी वजह से मैं रेडी शेडी हो के आ गया हूँ। जनाब पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, थोड़ा सामान लेना था, इसके लिए आपको दिखाएंगे अभी क्या सामान लेना और
एक मुनफरिद अंदाज में पार्टी है, सभी नेशनलिटी फिलिपिनी, पाकिस्तानी, लिबनानीज, इंडियन और बंगाली, श्रीलंकन, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ होएगा। आपसे तारफ भी कराऊँगा और इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करें। देखें ज़रा दुबई में कैसे होती है स्टाफ पार्टी। अभी मैं आ गया हूँ अलकूज़ में, तो चलते हैं, थोड़ा फूड लेना है हमने अपना। तो जनाब जी, तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे। देख सकते हैं आप, इससे साइन बोर्ड है, इससे हम अपना स्पेशल ऑर्डर किया था नमकीन मटन पुलाव, वो उठाएँगे क्योंकि पार्टी में सारा इंग्लिश फूड और दूसरा क्या कहते हैं फिलिपिनी है। हमने स्पेशल बाहर से ऑर्डर किया अपने लिए, सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो माशाल्लाह पार्टी पर लेके जाएंगे, पीछे मताम अल चुमरू देख सकते हैं। तीन ऑर्डर हो गए हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त पैक कर रहे हैं। कभी तो गाइस अभी नमकीन मटन उठा लिया गया, उठा लिया मतलब मैं ले आया हूँ। तो अभी एक दुकान है उधर से हम पाकिस्तानी रोटियाँ लेंगे तंदूर से, क्योंकि सारा फूड मिक्स ही होएगा तो हम लोग तो नहीं वो इन्जॉय करते, इसलिए नमकीन ऑर्डर किया और मटन पुलाव और एक मंदी होएगी साथ में। बाकी फूड उधर ही होएगा, इंडियन पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, फिलिपिनो और क्या कहते हैं लिबनानी, डिफरेंट डिफरेंट फूड होएगा, लेकिन हम लोग वो नहीं इन्जॉय करते, खाते ज़रा टेस्ट है, तो इसलिए हम बाहर से पकड़ रहे हैं। बिल कंपनी को दे देंगे इंशाल्लाह, वो बोला उन्होंने क्लियर कर दें, क्योंकि पार्टी है तो फूड हमको थोड़ा रास नहीं आएगा। तो अभी खाना ले लिया, सिर्फ रोटी पकड़नी है और फिर पार्टी पर चलते हैं, उधर ज़रा गेम्स होएंगी, थोड़ा मुकाबले होएंगे क्या कहते हैं डिफरेंट सब के साथ, कुछ लोग विन करेंगे कुछ हारेंगे, और सबसे आपको मुलाकात भी फिर कराऊंगा। बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है हमारे पास, आप देख के ज़रा मुतमिन हो जाएंगे, पाकिस्तानी इंडियन सारे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं दोस्त वगैरह। ये जनाब मेरा दोस्त है, इसे अभी रोटी पकड़ेंगे पाकिस्तानी, मेरी गाड़ी खड़ा करके साइड पर, क्योंकि ये अच्छी रोटी बनाता है, ज़बरदस्त आइटम था अभी, चलते हैं फिर इसके पास। हाँ जी, तो गाइस रोटियां तैयार हो रही हैं, ज़रा मैं टाइम था आपको ज़रा व्यू करा दूँ। ये हमारा फैन रेंड है, अरे मैं पश्तो में बोल रहा है, क्या हाल चाल है। और ये जनाब पीछे आपको यूएई फ्लैग नज़र आ रहा होगा, यूएई नेशनल डे है 51, तो इसी दिन हम लोग आज पार्टी भी करेंगे, रोटियां लग रही हैं, जल्दी आपको सारे ग्रुप से मिलाते हैं, थोड़ा वेट करें बस। हाँ जी, तो जनाब KFC आ गई है जनाब, माशाल्लाह मतरूस है। कितने पैकेट हैं? 1, 2, 3, 4 कितने? हो मनी पैकेट? आई डोंट नो यू ब्रिंग, अभी मालूम 10 पैकेट, 12 या 12 पैकेट है। चोरी साहब KFC आ गई है, पिज़्ज़ा भी आ रहा है, ज़बरदस्त बनाओ, सही है। ओके जनाब। हाँ जी, तो गाइस माशाल्लाह KFC आ गई मतरूस, ये हमारे भाई हैं करोल भाई, ये बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, KFC आगे क्या था उठा के लेके जा रहे हैं, हम भी आगे जा रहे हैं और चुप कर काम चल रहा है इधर पीछे, उस वजह से अभी जा रहे हैं हम अपनी जो बुकिंग किया एरिया उसमें, इंशाल्लाह उधर जाके आपको सबसे मिलाते हैं। हाँ जी, तो गाइस माशाल्लाह अभी आ चुके हैं हाल में, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ आ गया, लेकिन मेरे सारे दोस्त अभी नहीं आए, वो पीछे आ रहे हैं, बाकी ये भी दोस्त ही हैं सारे, लेकिन कंपनी स्टाफ है। आस्ता आस्ता आप सबको मैं मिलाता हूँ, पूरा सिस्टम ये बनाया हुआ बियर के लिए सिस्टम वगैरह, और ये भाई साहब से मिले। हेलो, कैसे हैं भाई जान? ठीक है, ब्लॉग में आप एंटर हो गए हैं माशाल्लाह, हमारे सीनियर स्टाफ हैं, चार्ज हैं जनाब बैंकवी स्टोर के, इंडियन से बिलोंग करते हैं ये जनाब, बांग्लादेशी भाई, नीचे होना पड़ेगा। और कैसे हैं जी? ये वेटर हैं, तो ऐसे ही जनाब आप सब से मिलाते हैं। ये जनाब, ये हमारे जनाब ट्रैक्टर मैनेजर आ गए माशाल्लाह, मोहसिन सर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन जी जनाब। ये देखें हमारे पंजाबी भाई मित्रा प्रकाश, हेलो प्रकाश भाई कैसे हैं? ठीक हैं। भीम सिंह, ओ चाचा कैसे हैं? ठीक है, ये भी बेटर है जनाब, शेफ़ है मिक्स,
और ये भी भाई जान। हेलो अन्ना जी, कैसे हैं चाचा? हेलो, ये जनाब शेफ़ हैं, इंडियन शेफ़, जिसकी बिरयानी आपने देखी थी लास्ट टाइम, बहुत अच्छा जनाब। भाई जान कैसे हैं? इनका तल्लक नेपाल से है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वीडियो बना रहे हूँ जनाब, सबकी बनाया वीडियो। और ये जनाब मुफ्ती, मुफ्ती कैसे ठीक है? और सब कह रहे हैं जनाब, पूरा माहौल है इन। ये जनाब हमारी मैडम है, हाइजीन फोटोग्राफर, आज जनाब कैमरा इनके हाथ में है। और ये कहती, हेलो शेफ लोग, अर्जुन भाई, हरी कैसे हैं जी? ठीक है, क्या क्या नाम है बता दो, लाइव बता दो, लाइव बताओ। विक्रम इधर है गलो। ये जनाब अभी शेफ हो गया, अनिल सारा स्टाफ सही है। ओ भाई जान हेलो, हाउ आर यू, कैसे है? ठीक है। ओए सालियो इधर हेलो करो, हाय। ये जनाब अपना सिविल लोग है, ये अपना जवान कमाल भाई हैं। कमाल भाई कैसे हैं? ठीक है। और जनाब ब्लॉग बन रहा है ना, बेस्ट ऑफ क्या कहते हैं, मेन शेफ है हमारे, एग्जैक्टली शेफ है, लिबनान से तलक है इनका। हेलो शेफ, हाउ आर यू? फाइन फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे एंजॉयफुल है लाइफ। और जनाब अनवर भाई इधर बैठे हैं, अनवर भाई हेलो, ठीक हो? तो किधर है? चला अभी स्टाफ थोड़ा आ रहा है, फिर गिफ्ट वगैरह रेडी किए हुए हैं इन्होंने, गिफ्ट देने हैं अभी, वो क्या कहते हैं पार्टी करने के पहले इन्होंने। हाँ जी, तो गाइस ये देखें, स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम बोल रहा हूँ, स्टेज बना दिया है, इधर सारा अनाउंसमेंट होएगा जनाब, सारा स्टाफ इकट्ठा हो रहा है। और विक्रम मेरा भाई, मैडम है जनाब, ये जनाब फलपीडो, इनके साथ छोटे हैं, जरा कैमरे में आ नहीं रही। तो जनाब ये देखें आप, सारा फूड शूड, आप खाने पीने का सामान आ गया। और भाई जान कैसे हैं? ठीक है। और हरविंदर कैसे हैं? ठीक है भाई, मैं ठीक है। हाँ तुम भी ठीक है, सही। और भाई जान कैसे हैं? माशाल्लाह सारा स्टाफ आया हुआ है, आधे से ज़्यादा आ रहा है, रहता भी, ये भी स्टेज बना इधर। भाई जान खुद सर्व कर रहे हैं, अरबाब को सर्व कर रहे हैं जनाब, थैंक यू। अरबाब किधर है? वाह जी वाह, हमारा अरबाब लोग आ गया माशाल्लाह, सर खुद अरबाब खुद ड्राइव कर रहा है, अरबाब लोग सब ड्राइव कर, थैंक यू। अब बियर हो गए, थैंक यू, इधर ओनली वीडियो, थैंक यू अरबाब, थैंक यू, शुक्र। ये हमारा जनाब मेन बॉस आ गए हैं, आपको मुलाकात कराएंगे अभी तो। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। पार पाल्डी, हाँ जी जनाब, ये फेडरिक है, आन है, फ्रेंड है, ये भी आए माशाल्लाह, नाइजीरियन टाइप है, इंशाल्लाह इसे भी आप देखते हैं कैसे जी, ठीक कर रहे हैं कितना होगा। ये जनाब अपने ही आदमी है, बार टेंडर, शराबी शुरू खोल रहे हैं आज इनका जनाब, चल रहा है। हेलो, वेरी गुड। ये जनाब फलपीनिया, या देखें जनाब ब्रांड आए हैं, वेरी गुड, नाइस। ये हमारे रबाब है जनाब, हनी कैन पी रहे, वेरी गुड रबाब, जबरदस्त। अभी सब अपना अपना ग्लास लिया हुआ है। हेलो मैडम कहती, हाउ आर यू? हाँ जी, तो गाइस ये हमारे प्यारे पीआरओ भाई अमरनाथ सर, भाई कर रहे हैं आप लोगों को माशाल्लाह, आज इनसे भी मुलाकात होगी आपकी फिर दोबारा, लास्ट वीक हुई थी लास्ट ब्लॉग में, तो मैं बिजी था इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग नहीं बनाया, अभी इंशाल्लाह ब्लॉग आते रहेंगे, हमारे दोस्त आपको नज़र आते रहेंगे। तो ये पार्टी चल रही है जनाब, सारे इंजॉय कर रहे हैं जी। गाइस ये हमारा भाई है फलपीनो, इसका सेम ब्लॉग है, ब्लॉगिंग करता है, इसका चैनल है, मैं लिंक दे देगा आपको, और उसके अंदर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मेरा भाई है जनाब, अच्छा फ्रेंड है हमारा। हेलो गाइस, सेम ब्लॉगर, सब्सक्राइब यासर आई दो, यासर ब्लॉग, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय फ्रेंड ओली टॉरेस ब्लॉग, थैंक यू सो मच। हां जी, तो गाइस हमारे सीनियर काउंसलर वाले साहब आ चुके हैं, जुबैर भाई, ये आप फर्स्ट टाइम आपको मिले होंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे ब्लॉग में माशाल्लाह, आप लोग इनको बोले ये हाय करें माशाल्लाह। उनका भी कहते हैं ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, ये पागल है। ये हमारे
सर जनाब डायरेक्टर मैनेजर है माशाल्लाह, ये मैडम है, ये भी शो मी दिस वन लाइक दैट, आपने पर्ची एक उठाने का और मिलेगा। इसी तरह मैंने भी चूज किया अपना नंबर, वो मेरा नंबर निकला 12 नंबर, ये यार मैं फोकस में डाल रहा हूँ, ये देखें मेरा नंबर निकला है 12 नंबर, और ये अभी नाम मिलेंगे सेम उसके जैसे जो कोई भी नंबर अटैच हो गया उसके साथ। तो ये मेरे सारे फ्रेंड हैं बांग्लादेश वाले, और ये अपना भाई मेहर भाई, मेहर भाई हेल्प करो, लास्ट टाइम हमने पार्टी किया था ये इसकी वजह से। हाँ 13 छोड़ 12 भी ढूंढेगा 12। ये जनाब है हमारा डायरेक्टर मैनेजर। ये हमारे डायरेक्टर मैनेजर अभी अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सा कोई अवार्ड देने का। थैंक यू। But I will come to you all, and we would like to thank you all for the efforts what we did it this year. Our sales increased. Why all of us we need to be like a team. Yes, sir. So we deserve this one, and we thanks all the management for this year and last year. In the future, yes. Yeah, thank you and welcome again. Oh, love you again. अभी भाईजान ये नंबर डिसाइड किए थे जो मैं पहले आपको बताया है उसी नंबर के हिसाब से बोलेंगे, वो नंबर वाला आदमी आएगा तो लेगा नाम, अपना नाम लेगा। ये मैडम अनाउंसमेंट कर रही है और ये अनाउंसमेंट कर रहा है, ये शायर है। हाँ जी, तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबी है, आज के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट पार्ट में होएगा इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, हमारे सही होते यार। ये मेरा भाई मेहर जनाब इनाम जीत गया। चेक करो, कोई नहीं टेंशन, अभी मेरा भाई प्यारा मेहर ओपन करने लगा गिफ्ट अपना। जनाब ओपन करो, आई वाह 40 आ गया उधर भी जनाब। एक मिनट निकली है मेरे भरा चीता लगे खाब खाब बंद दिलीप चीता लगा। जनाब विक्रम भाई का 45 नंबर निकला है, अभी नाम रिसीव करते हुए जनाब हमारा काली आदमी है उसका निकला। हरपिंदर कितना 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 नंबर दिखा, सही नंबर दिखा, 39 है मेरे दोस्त का। ये विक्रम भाई का, विक्रम भाई ओपन करो,
विक्रम भाई का 45 था, अभी चेक करते हैं क्या निकला है। वाह जी वाह, फीडर है, फीडर ओ भाईजान का निकला जनाब हेडफोन, माशाल्लाह वेरी गुड थैंक यू। और विक्रम क्या निकला तुम्हारा? यार ये जुबैर भाई है जनाब। जुबैर भाई आपका कौन सा है? लियास भाई का निकले 64, फ्रेंड और नाम रिसीव करके आ रहे हैं जनाब। इसी तरह पूरे स्टाफ का एक एक गिफ्ट निकला है, नंबर चॉइस किया वो नंबर निकला है इनका, वो उसी हिसाब से फिर दे रहे हैं, किसी का 60 है, किसी का 100 है, किसी का 3 है, तो उसी नाम से अभी 59 चल रहा है। जिसने वो कूपन उठाया उसका 59 आया, 59 उसका आ जाएगा। लियास भाई क्या निकला आपका नाम, दिखाएं जरा कैमरे में, ब्लॉग नहीं ओपन करें जनाब, ऐसा नहीं चलेगा, ओपन कर रहे हैं लियास भाई, माशाल्लाह जनाब आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप तक जाएगा आपका वीडियो। वाह वेरी गुड, आप तो छा गए हैं लियास भाई, छा गए हैं जनाब। ओ 56 कोई नहीं आ रहा, ये पैनिक रख रहे हैं, जो आदमी नहीं रिसीव कर रहे उनका ये गिफ्ट है, बाकी वो मैडम लेके आ रही हैं जनाब, चल रहा है उनका काम शाम सारा। ड्रॉ चलते पे ने, पहले सारे को ड्रॉ कराए ने, एक एक पर्ची जीती है, बाद चो नंबर लिखे थे हम उत्ते, वो नंबर अनाउंस कर रहे ने, मेरा निकले 12 नंबर, मेरा तुम दसिया तो जनाब है, सारे ने अनाउंस कर रहे ने, बंदे आके रिसीव कर रहे ने। ये जनाब ड्रिंक है, ड्रिंक बना रही है अपना, ये भाई लोग आ रहा है लेके जा रहा है जनाब। आई एम नीड वन बूम बूम, मैं बूम बूम पीऊँगा, मैं शराब नहीं पी रहा तो इसलिए मैं दिस वन कोल्ड बूम बूम ले रही है मैंने, गिव मी वन। अब हेलो बोले लियास भाई, ये लियास भाई अपने, ये मेहर भाई सारे अपने बैठे हैं, अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
up and Mr. Sahil is going to announce the names. Chef Elias.
जनाब सदाटरी हॉस्पिटैलिटी का केक है जो अभी काटेंगे। हाँ जी, तो गाइस माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया सबने, आप देखा अपने सारा स्टाफ माशाल्लाह कितना इन्जॉय किया हमने। साल में एक दफ़ा होती है पार्टी जिसको अभी आपने मैं कैमरे में कैच किया। तो जनाब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, देखे गला बैठ गया। तो इंशाल्लाह अपनी मिलते रहेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप मसाला जनाब प्याज श्याज टमाटर कट दिए हैं ज़बरदस्त, ये हमारे साथ ही हैं जनाब। एक पतीला, दो पतीला, तीन, और ये बड़ा माशाल्लाह सारा अभी रेडी करना है। इधर अभी ज़रा चाय पार्टी चल रही है। हाँ जी जनाब, ये मटर के अंदर हरी मिर्च चली गई, 20-20 के जी है। ठीक है, फ्रेश मटर है। हाँ बहुत है, बहुत है। अदरक दो में, हाँ वाह जी वाह, साह जी कमाल हो गया जनाब। ऐ भाजी देसी तरीका इंज कट्ठा ही सौदा, इनू कुंडा भी कहते हैं, लेकिन देसी तरीके ने ऐसा ही बनता मटन में पी भी। ये जनाब रेड मिर्च, नमक, दादर फादर मिर्च, काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च नहीं पानी है, लाल मिर्चा यूज की जरा कलर आएगा। तो ऐ मसाला आ गया, और हल्दी, हल्दी ये सारा अपने आइडिया के हिसाब ना होंगे, जिन्हें जिन्ना साथ उन्होंने आइडिया रखे था। 20-20 किलो गोश्त है उस हिसाब ना, तुम्हें पता है दुनिया से दो ही चीज़ा रह गई हैं, ये हल्दी अदरक। इधर जनाब दूसरा काम बन रहा है, दिखाए बस आज इधर उत्ते करके। ये कीमा बन रहा, कीमा माशाल्लाह देखो जनाब फुल लैन च लगे काम। ए भाई होनी है जनाब, चलो आ गई लाल मिर्चा। हाँ इनू लाओ, इनू आ जी। हाँ जी वाह, पानी चल चुका अंदर माशाल्लाह, इसके अंदर भी चला गया, इसके अंदर भी चला गया। इधर ही जनाब करा रहा है, माहौल में देख सकते हैं आप, स्पेशल बन रहा है मटन जनाब कुंडे वाला, जिनू देसी जी मटन कराई। इधर नान भी लग रहे हैं स्पेशल, देखो भाई हुनी पैक कर रहे हैं, एहसास हुनी ला रहे हैं, वो भाई हुनी पेरे कर रहे हैं पीछे। इन्हों का मैं दूसरी वीडियो जी इंटरव्यू लिया, पूरा बेहतरीन किस्म के कारीगर ने माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी जनाब, है देखो नान नाल तो ला के रोकनी नान ला रहे अंदर आधा नारोवाल, नारोवाल ने जनाब है जनाब। मटन अपनी मंजिलों को तय करते हुआ माशाल्लाह, साहिब करे हुए चमचा उत्ते,
वाह जी वाह माशाल्लाह जबरदस्त। मतलब कलर बता रहा है कि जनाब मटर में जाना है ये जनाब लोग बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह रेडी होएगा तो आपको पूरा अच्छा टेस्ट करके बताएंगे। बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़्यादा किस्म बता रहे हैं ये जनाब। पीछे जुल्कुरनैन बैठा हुआ है और मोबाइल भी चल रहा है सारा निज़ाम। कौरमा बन रहा है मटन कीमा बन रहा है दो तीन डिशें बन रही हैं। ये सारा अभी मसाला दूसरे के अंदर डालने का क्योंकि ये डिश बन रही है। उधर बाहर सलाद का काम हो रहा है ये चेक करवा देते हैं फिर आपको देखें। माशाल्लाह ये जनाब माशाल्लाह कुंडे के अंदर आयल चला गया ज़बरदस्त। ले आओ मौलवी साहब ले आओ भाइयों वाह जी वाह। अभी ऑयल जा चुका है मटर के अंदर और मियाँ साहब आ रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं क्या क्या पता कैसा जायका आ रहा है। हाँ जी मियाँ साहब की टेस्ट है ठीक है बंदे दे हाथ बढ़ते ही लगता है जिन्हें बनाया की कहें हो। हाँ जी हाँ जी ये यूट्यूब से अपलोड होएगी माशाल्लाह। आखिरी बना दीता इन्हों ने कीमा इंदा टेस्ट नहीं बाद इन्होंने को बनना चेंजिंग हो जाएगी लेकिन है कि इस तरह तो नहीं बना सकते। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया देखें जनाब चटनियाँ बन रही हैं बंदे काम कर रहे हैं अल जा चुका है हंडी के अंदर और जनाब ये मामा जी वाह जी वाह ना ना पास ये देखें जनाब अभी फाइनल पोजीशन में है माशाल्लाह और इधर वाला माशाल्लाह थोड़ी देर तक हो जाना माशाल्लाह। पहले जनाब तीन बन चुके हैं अभी माशाल्लाह फिर एक दो तीन चार रेडी हो रहा है काम सारा इसके अंदर बनने के लिए तैयार माशाल्लाह। 300 आदमी ने रोटी खानी है 350 पूरा जनाब रेडी है इस तरह वो भी दूसरी आइटम बन रही है मेरी कोशिश होगी सारी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब वाह जबरदस्त जनाब माशाल्लाह देखें चिकन कौरमा रेडी हो चुका है ज़बरदस्त। चलो जी बस हाँ जी तो गाइस माशाल्लाह चार पतीले चल रहे हैं उसके अंदर बन रहा है सामान जो रेडी हो गया वो आपको दिखाते हैं। अभी दम जनाब ओपन करने लगे हैं माशाल्लाह ए उधर वाले ना हाँ एक मिनट माशाल्लाह जनाब चेक कराएं दिखाओ इधर इधर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मटन जनाब साथ वाली पार्टी का है और ये हम लोगों ने बनाया दोनों चेक करके बताता है आपका भाई क्योंकि जिसका टेस्ट अच्छा हो अपना या दूसरी पार्टी का तो आपको बताते हैं। देखने में तो हमारा ही अच्छा लग रहा है देखें जनाब पूरा रेड मसाला मसूला घुल चुका है लेकिन ये चेक करते हैं। हाँ जी जनाब उस्ताद जी अभी टेस्ट करके बताएँगे। हाँ जी उस्ताद जी चेक करें जनाब चेक करो पहले ए चेक करो होर लै लो होर ध्यान पेद। हाँ जी साहब जी ए भी चेक करो दसना कि सही बनया साहब जी चेक कर रहे हैं जनाब अभी बता रहे हैं आपको कैसा टेस्ट है मैं भी आपको बता रहा हूँ चेक करके अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गोश्त टेस्ट भी है लेकिन दूसरी पानी का टेस्ट भी है शेफ की तो तारीफ ही कर सकते लेकिन जो कटिंग करने वाला बहुत ही हैरान था सा कटिंग नहीं सही हुई कैंकर है इसके अंदर अपने वाला भी चेक करते हैं अभी वो भी आपको बताते हैं पूरा टेस्ट पता सर क्योंकि जितनी देर तक गोश्त की कटिंग नहीं ना सही हुए
पकाने वाला जैसा मर्जी हो पक नहीं सकता। अभी जैसे चेक किया कैंकर आ गई सीधी, तो अभी आपने चेक कर दिया माशाल्लाह। गुड हो गया, गुड हो गया। पहली गल तो कटिंग नहीं सही हुई कैंकर, मैं पहली मुर्गी ची वेख्या कैंकर आई है। अपना कुछ देखो माशाल्लाह बड़ा अलग किस्म का। तो गाइस अभी आप फंक्शन पूरा दिखाते हैं आपको, डिश रेडी हो चुकी है, तो क्या कहते हैं थोड़ी देर तक आपको चालू कर दूँगा।